अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। मैगी, मैगी एक ऐसी चीज़ है हर बच्चे का दिल करता है कि मैगी का पैकेट या ऐड देखते ही खाने को दिल करेगा, इसलिए हम लोग आज मैगी बनाने की सोच रहे हैं। मैगी मतलब एक या दो नहीं, 100 मैगी पैकेट लाए हैं हर बच्चे के लिए। मैगी बनाने के लिए पहले पानी डाल दीजिए। हमने जैसे पहले बताया था कि 100 मैगी पैकेट डालेंगे, ये जो लास्ट 100 वाला पैकेट है, तो देखते ही समझ जाएंगे कि उबलना शुरू हो गया है। एक बार मिला लीजिए। जो ऊपर है उसको नीचे कर दीजिए ताकि वो भी उबले। कैरेट काट के रखे थे ना, वो कैरेट इसमें डाल दीजिए, साथ ही साथ बीन्स और कैप्सिकम भी डाल दीजिए। अच्छी तरह उबलने के लिए फिर से एक बार मिला। अच्छा मिलाइए कि ताकि सारा
जो तरकारी है सारी नूडल्स को फैल जाए। देखिए अच्छी सी खुशबू आ रही है, जैसे जैसे नूडल्स पकते जाएगा ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि नूडल्स बनाने के लिए, जैसे कि 2-3 मिनट में ही पक जाएगा, लेकिन इसमें जो तरकारी हम लोग इस्तेमाल करें वो पकने के लिए थोड़ी और देर पकाना है। इसमें अच्छी तरह जो मसाला इस पैकेट के साथ दिया है वही मसाला इसमें डाल देंगे। मसाला जितनी ज़रूरी है उतना डाल लीजिए। हम लोग तो जितना ज़रूरी है उतना मसाला पूरा डालने के बाद एक बार पूरा अच्छी तरह मिला लीजिए। माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है नूडल्स की, इसलिए बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं इसे, ताकि हम लोग पूछते ही बनाने के देने के लिए आसान है और इसकी इसकी मज़ा भी वैसी है जैसा इसका धागे धागे वाला ये देखने के लिए एक अजीब सा खाना दिखेगा, इसलिए बच्चे बहुत पसंद। हम लोग तो 100 पैकेटों का मैगी इतना अच्छा बना दिए, हमें उम्मीद है कि बच्चों को भी पसंद आ जाएगा। वाओ इतना अच्छा बन गया है, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। चलिए इसको इसका मज़ा चेक के देखते हैं कि कैसा, एक बार इसका मज़ा चेकेंगे ताकि ये कैसा बना हम भी खा के देखेंगे। जितना मजा है उतना ही गर्म है। माशाल्लाह बहुत मजे का है, बच्चों को भी पसंद आ जाएगा। चलिए यही मैगी को हम लोग पैकिंग करके जो भी बच्चे हम लोग के आसपास है, गरीब बच्चे या जो नूडल्स खाने के लिए जो भी नूडल्स खाना पसंद करेंगे उनको हम लोग दे देंगे। चलिए हम जानते हैं कि मैगी बनाना सभी को मालूम है और उसका तरीका भी पता है, लेकिन हमारा उसूल है कि हम लोग का प्रोग्राम में पूरा जो भी बना रहे हम लोग पूरी उसूल से और जो भी तरीके से हम लोग बना रहे वो आप तक पहुंचाना है और साथ ही साथ बच्चों को ले जाके खाना खिलाना। हमें उम्मीद है कि हम लोग का काम आपको पसंद आ रहा है, आपका जो रिस्पांस हमें मिल रहा है हमें बहुत बड़ी खुशी मिल रही है। चलिए आपका सपोर्ट हमें और भी चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।